परिवासी से थाना हाज्य मृत्यु घटना रे आसला पोस्टमार्टम रिपोर्ट मृत रमेश को शरीर रे रहिछि 20 रु अधिक क्षत चिन्ह कोनोसी एक शक्त चिन्ह रे नुशंस भाबे पिटा जाइतला रमेश को मुंड ठारु आरंभ करी पाद पर्यंत सबुठी क्षत चिन्ह रहिछि माड जगु मुंड रे भी रक्त जमाट बांधिछि जहाकी सब व्यवच्छेद परे रिपोर्ट रु प्रकाश पाइछि। अधिक आलोचना पाई सदासक जिबा पुरी पुरीरु आम प्रतिनिधि आलोक आशुतोष आम सहित जोड़ी आलोक बहु चर्चित पुरी हाजत मृत्यु घटना को नहीं पोस्टमार्टम रिपोर्ट जदि आसी किंतु पूर्व जो कथा सब सामना को आसीला पड़ा कारण मृत्यु होगा अनेक कथा सामना को आसीला ए सबरे हुए तो पूर्णच्छेद पड़ी और पोस्टमार्टम रिपोर्ट आसी कौन सब उल्लेख रही निश्चित निवेदिता NHRC गाइडलाइन अनुजाई पोस्टमार्टम करा जाइथिला एवं पोस्टमार्टम रिपोर्ट अर्गस न्यूज हाथ में सीधा सड़क लगी तेज विस्तृत भाव में जानवा कारण से पोस्टमार्टम रिपोर्ट रे अनेक उल्लेख रही 15-16 पॉइंट उल्लेख रही से विस्तृत भाव में गोड़ ठार मुंड पर्यंत अनेक जगार क्षतचिन्ह अच्छी मुंडर रक्त जमाट बांधार उल्लेख रही पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आम विस्तृत भाव आलोचना करवा आम सहित आडभोकेट गोपाल पंडा अच्छा सर बुलेटिन को स्वागत करुच्ची वास्तव में पोस्टमार्टम रिपोर्ट कौन उल्लेख रही आपण देखिए पोस्टमार्टम 15 नंबर कलम परिष्कार डॉक्टर घड़े एवं डॉक्टर संतोष मिश्र क्लियर करते गोटे हत्या घटना एवं कस्टोडियल डेथ या पुलिस मारिकी यह भाव में रिसीव डेट कर मेडिकल को गला रिसीव डेट करदी गोटे लोकर थाना भितर हेमाटोमा हो आप से रिपोर्ट देखिए जो रिपोर्ट आप हस्तगत होती क्लीयरली मेनसन अच्छी तार मुंडपट मुंडे गोटे 250 ग्राम ब्लड कट हो से गोटे कला बिंडा हो इंजुरीटा होमर हेमाटोमा एवं तार गोड़े 2.5 इंच जो पाइप माड़ 17 टी माड़ ता बॉडी रे क्लीयर मेनसन होपर पोस्टमार्टम रिपोर्ट एथुर आम जाना जो कस्टडी भितर प्रचुर माड़ मर जाता जेहेतु मुझ पुरी सहर आईनजीवी विभिन्न ये घटना संश्लिष्ट अच्छी निजे स्पॉट को जाकि बुझी लोकनाथ रोड रु जिते ये अभियुक्त को पुलिस जाणला जितेबाला से लोक कौन से 100-200 पार पुलिस स्पॉट रे बाड़ी थला थाना को आनी थला थाना को आनी थले दिन बेला राति 7:30 से मेडिकल नेले मेडिकल नेला बेले डॉक्टर तो लिखी से पोस्टमार्टम रिपोर्ट रे रिसीव डेट व्हाट मीन्स ऑफ रिसीव डेट अर्थ हेउचे या डाक्तरखाना जे कि पहुँचवा पूर्व से मरी जाइछि एवं जितेबाला आप गणमाध्यम जो चेष्टा कला आणवाई एवं गणमाध्यम आईनजीवी समाज बुद्धिजीवी लोक समस्त मेडिकल पोस्टमार्टम रूम ठार गोटे किलोमीटर दूर से पुलिस ब्यारिकेड कर रखिला एवं बड़ अपराध कला पुलिस रात जितेबाला से बॉडी की नहीं पोस्टमार्टम रूम रखिला से पोस्टमार्टम रूम चाबी पक पुलिस नहीं चाबी पलैला तापर बेसी सन्देह होउची सेमाने हाईकोर्टर जो कलेक्टर SP जो सत्यपाठ दाखल कले संपूर्ण मिथ्या कहीं मिथ्या आम कहूँ ना 173 क्लज डी रे आफिडेविट दाखल कले हाईकोर्ट में NHRC दाखल कले के रमेश पड़ी की मरी जाइए किंतु आम पाखे जो एतला अच्छी 218 से एतलार आम जानवाक पाच बर्तमान से 173 ना 173 डी रे जितेबाला हाईकोर्ट दाखल कौटी ना कौटि के रमेश को हाजत मृत्यु घटना चपेई देवाक बारंबार मिछ पर मिछ कहु बास्तव में ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट ही प्रमाण करुच्ची केते नृशंस भाव के रमेश को पिटी पिटी मारी दी जाए लुचे पारे ना NHRC जितेबाला रिपोर्ट पाइले सन्देह है जो पुलिस बहुत कथा लुचेवाई चेस्टा करेणुक सी जे अग्रवाल डॉक्टर अग्रवाल जे IAS अफसर को निजुक्ति कर 4 वीक्स आसिक पूरी सर्किट हाउस रहीकि स्पॉट को जाकि तदंत कर निर्देश होती तेणु एथुर आप जानते घटना संपूर्ण भाव में पुलिस हाजत मृत्यु सत्य पुलिस बड़ कथा गोपाल बाबू इनक्वेस्ट लेटर में बापा बोर जो गोटे मेनसन रही मो पु पड़जार मृत्युवरण होती किपर कि बापा बो कौटा कौट चाप प्रयोग कराफल बापा बो इनक्वेस्ट लेटर सीधा सड़क लिखिंट टीप चिन्ह देते मो पु पड़जार खसी पड़जार मृत्युवरण तो कहते जदि पोस्टमार्टम ए इनक्वेस्ट रिपोर्ट रे क्लीयरली गोटे मंतव्य कलम अच्छी पॉइंट नंबर 11 ता देहरे ता बापा माँ ओडिया अक्षर जदि लिखिपारे मो पु पड़ी मरीगला तेल टीप चिन्ह कहीं देवे दस्खत करें जदि गोटे लोक लिखिपारे मो पु पड़ी मरीगला बापा माँ लिखिपारे से टीप चिन्ह कहीं देवे ये तो पुलिस सन्देहघात हो प्रथम रु पुलिस घटना जेहेतु निजे बाड़े मारी
ତାକୁ ଘୁଞ୍ଚେଇ ଗୋଟେ ତାକୁ ଘୋଡ଼େଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି। ନିଶ୍ଚିତ ନିବେଦିତା, ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଘଟଣାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପୁରୀର ଯିଏ ତତ୍କାଳୀନ ଏସ୍ପି ଥିଲେ ଅଖିଳେଶ୍ୱର ସିଂ, ସିଏ ସିଧାସଳଖ ମଧ୍ୟ ବଦଳି ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ କହିପାରିବା ବାସେଳିସେହି ଥାନାର ତିନି ଜଣ ଅଧିକାରୀ ମଧ୍ୟ ନିଲମ୍ବିତ ହୋଇଛନ୍ତି। କାର୍ଯ୍ୟରେ ଅବହେଳା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ନିଲମ୍ବିତ କରାଯାଇଛି। କିନ୍ତୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ବାସେଳିସେହି ଥାନାର ଆଇଆଇସି ଯିଏ ରହିଛନ୍ତି ଜୀବନାନନ୍ଦ ଜେନା, ତାଙ୍କ ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ କେବେ ହେଉଛି ତାହା ତ ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲେ। କିନ୍ତୁ ଆମେ କହିପାରିବା ଏନ୍ଏଚ୍ଆର୍ସିର ଗାଇଡ୍ଲାଇନ୍ ଅନୁଯାୟୀ ତଦନ୍ତ ହେଉଛି ଏବଂ ଚାରି ସପ୍ତାହ ମଧ୍ୟରେ ରିପୋର୍ଟ କିଭଳି ଭାବରେ ଯାଉଛି, ବାସ୍ତବରେ ଏହା ହାଜତ ମୃତ୍ୟୁର ବିବେଚନା କରାଯାଉଛି ବୋଲି ତ ସିଧାସଳଖ ପୁରୀ ଏସ୍ପି ପ୍ରେସ୍ ମିଟ୍ରେ କହିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଦେଖାଯାଉ ବାସ୍ତବରେ ଏନ୍ଏଚ୍ଆର୍ସି ରିପୋର୍ଟ ଚାରି ସପ୍ତାହ ପରେ କ'ଣ ସବୁ ଆସୁଛି, କେଉଁ କେଉଁ ଗାଇଡ୍ଲାଇନ୍ ଆଧାରରେ ରିପୋର୍ଟ ଆସୁଛି। ଏବଂ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ମୃତକ କେ ରମେଶଙ୍କ ପରିବାରକୁ ମଧ୍ୟ 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଅନୁକମ୍ପା ରାଶି ଦିଆଯାଇଛି ବୋଲି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଯେ ଆଫିଡେଭିଟ୍ରେ ଦର୍ଶାଇଛନ୍ତି। ନିବେଦିତା, ନିହାତି ଭାବରେ ଆଲୋକ, ଏଥିରୁ ଗୋଟେ କଥା ସ୍ପଷ୍ଟ ଯେ ଏସ୍ପି ଯେଉଁ କୋର୍ଟରେ ସତ୍ୟପାଠ କରିଥିଲେ ସେଥିରେ କୋଟି ନା କୋଟି ମିଛ ରହିଛି ଏବଂ ତାଙ୍କ ବାପା ମା ଯେଉଁ ବୟାନ ଦେଇଥିଲେ ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ କୋଟି ନା କୋଟି ତାଙ୍କ ଉପରେ ଚାପ ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଇଛି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ସେ ତାଙ୍କ ବୟାନ ବଦଳେଇଥିବା ଯାହା ମଧ୍ୟ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି। ଆଉ ଏସବୁ କଥା ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ୍ ରିପୋର୍ଟରୁ ହିଁ ସ୍ପଷ୍ଟ ହେଉଛି। ତେବେ ଏନ୍ଏଚ୍ଆର୍ସି ରିପୋର୍ଟ ଆସିବା ପରେ ହୁଏତ ସବୁ ଘଟଣା ଉପରୁ ପଦା ହଟିବ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆଲୋକ ଆପଣଙ୍କ ତମାମ ସୂଚନା ପାଇଁ।